जय हिंद वंदे मातरम साथियों, दुखद खबर सीआरपीएफ के जवानों की ओर से निकल कर आ रहे हैं। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम रवेली निवासी वीर सपूत राजेश ध्रुव विगत कुछ वर्षों से 209 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ में पदस्थ थे। बता दें कि इन दिनों वे पश्चिम बंगाल के सिंहभूम जिले में आईडी पोस्ट में शहीद हो गए हैं। बता दें कि इन दिनों वे झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में तैनात थे और वहीं आईडी पोस्ट में शहीद हो गए हैं। माँ भारती के लाल ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। बता दें कि सीआरपीएफ जवान राजेश कुमार ध्रुव जो कि झारखंड के रहने वाले थे और वर्तमान में झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम में वे तैनात थे। बता दें कि झारखंड के गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम रवेली के वे निवासी थे और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। शहादत की सूचना घर परिजनों को मिलते ही कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 2 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी और वीरांगना पत्नी 6 माह की गर्भवती बताई जा रही है। ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। अमर रहेगी ए वीरों तुम्हारी अमर कहानी, अनंत काल तक गूंजेगी वीर गाथा बलिदानी। शहादत की खबर मिलते ही घर परिवार में चीख पुकार मच गई तो क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। जवान का पार्थिव देह आज तिरंगे में लिपट कर उनके पैतृक गाँव रवेली पहुंचेगा, जहां राजकीय सैनिक सम्मान के साथ अंतिम दी जाएगी। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पदस्थ रहे गरियाबंद जिले के ग्राम रवेली निवासी मां भारती के लाल कोबरा बटालियन के जवान श्री राजेश कुमार ध्रुव कल आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने की वजह से मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। समग्र राष्ट्र को इस वीर बलिदानी पर गर्व है। इस विषाद की घड़ी में हमारी संवेदनाएं शहीद परिवार के साथ है। माँ भारती के लाडले बेटे ने अपने कर्तव्य पथ का निर्वहन करते हुए वीरगति को प्राप्त किया है। शहीद जवान राजेश कुमार ध्रुव जो कि झारखंड के गरियाबंद जिले के रहने वाले थे और वर्तमान में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में तैनात थे, आईडी ब्लास्ट में भी मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हो गए हैं। बता दें कि इनकी शादी महज 2 साल पहले ही हुई थी और वीरांगना पत्नी 6 माह की गर्भवती है। माँ भारती के लाडले बेटे का पार्थिव देह आज तिरंगे में लिपट कर सीआरपीएफ के विशेष वाहन से उनके पैतृक गांव रवेली पहुंचेगा, जहां राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ शहीद जवान को अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद जवान राजेश कुमार ध्रुव के शीर्ष चरणों में अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज कोटि कोटि नमन करता है और उनके अदम्य साहस को सलाम करता है। आपसे भी क्रमबद्ध निवेदन रहेगा कि आप शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तिरंगे में लिपट कर आज पहुंचेगी पार्थिव देह रवेली, जहां राजकीय व सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। बता दें कि 2 साल पहले ही जवान की शादी हुई थी और वीरांगना पत्नी 6 माह की गर्भवती बताई जा रही है। झारखंड के गरियाबंद जिले के रवेली गांव के रहने वाले राजेश कुमार ध्रुव जो कि झारखंड के सिंहभूम में तैनात थे और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। शहादत की सूचना घर परिजनों को मिलते ही घर में कोहराम मच गया, क्षेत्र में सन्नाटा पसर हुआ है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट की है। आगे की अपडेट के लिए आप अपर समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।